हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय जो निमी भारत स्किल में दिया हुआ है, इलास्टिसिटी, है ना। तो एक चैप्टर हो चुका है इसमें एक पार्ट, आज दूसरा पार्ट हम लोग करेंगे इस चैप्टर का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस इफ़ अ स्क्वायर रॉड ऑफ 10 mm साइड इज टेस्टेड फॉर अ टेंसाइल लोड ऑफ 1000 kg। यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस है और दिया हुआ है स्क्वायर रॉड जिसकी साइड है 10 mm। तो स्क्वायर रॉड कैसे बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से ये बनेगा। इसकी साइड दी है 10 mm, टेंसाइल लोड दिया हुआ है 1000 kg। लोड दिया कितना, 1000 kg, और इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम एरिया निकालेंगे, जी स्क्वायर रॉड है, टेंसाइल फोर्स किधर लगेगा, टेंसाइल स्ट्रेस बाहर की तरफ, है ना। तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, स्क्वायर। स्क्वायर करिए क्या होता है, ए स्क्वायर, साइड दी है 10, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ए बराबर ए स्क्वायर, 10 × 10 तो हो जाएगा 100 mm स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेस बराबर तो फोर्स दिया हुआ है 1000 kg बटे हो जाएगा 100 mm स्क्वायर, ये काट देंगे इसको, तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 kg/mm स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेन इफ अ फोर्स 3.2 kN इज अप्लाइड टू अ बार ऑफ ओरिजिनल लेंथ 2800 mm एक्सटेंड्स द बार बाई 0.5 mm। इसमें क्या पूछ रहा है हमको, स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ दिया 2800 mm और चेंज इन लेंथ कितना दिया, 0.5 mm, ये हो जाएगा 0.5/2800। यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.00017 8 6, यह है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच स्ट्रेन इज डेवलप्ड इन आयरन रॉड ऑफ 1 meter लेंथ गेट्स इलांगेटेड बाय 1 cm इफ आर अ फोर्स ऑफ 100 kg इज अप्लाइड एट द वन एंड। हमको क्या निकालना है, स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है, 1 meter, चेंज इन लेंथ कितना है, 1 cm, तो यहाँ से हो जाएगा 1 cm, ये हो जाएगा, इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा 100 cm, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, यहाँ से आएगा 0.01, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यंग मॉडुलस इफ अ वायर ऑफ 2 meter लॉन्ग 0.8 mm स्क्वायर इन अ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 1.6 mm ऑन सस्पेंशन ऑफ 8 kg वेट फ्रॉम इट। हमसे क्या पूछ रहा है, यंग मॉडुलस, जिसको हम क्या कहते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी बोला जाता है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी को यंग मॉडुलस भी कहते हैं। तो इसके बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ से हमें क्या क्या दिया है, 2 meter वायर की लंबाई दी है, एल बराबर क्या हो जाएगा, 2 meter, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 0.8 mm स्क्वायर, चेंज इन लेंथ दिया हुआ है 1.6 mm
और फोर्स दिया हुआ है 8 kg। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये हो जाएगा यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हो जाएगा एफ अपॉन ए इंटू डेल एल इंटू ऊपर हो जाएगा एल। इन सब की वैल्यू रख देंगे आंसर आ जाएगा। तो एफ बराबर दिया है 8, ओरिजिनल लेंथ कितना है 2 मीटर है ना। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर एमएम में तो जाएगा 2000 mm अपॉन क्या हो जाएगा ए कितना है 0.8 इंटू चेंज इन लेंथ कितना दिया है 1.6। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जाएगा 16000, ये हो जाएगा 16 × 128 1.28। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 12500 यूनिट क्या होगी केजी पर एमएम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेफ स्ट्रेस इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज 35 kg पर एमएम स्क्वायर एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 5। तो सेफ स्ट्रेस हमसे पूछ रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफ ओ एस बराबर क्या होता है अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या सेफ स्ट्रेस। यहाँ से वैल्यू रख देंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस कितना दिया है 35 kg पर एमएम स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको क्या करना है निकालना है। तो यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ से सेफ स्ट्रेस हमको निकालना है। तो सेफ स्ट्रेस बराबर क्या हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस जो कि 35 kg पर एमएम स्क्वायर दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 5 का भाग दे देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7, तो यह आएगा 7 kg पर एमएम स्क्वायर। आंसर हो जाएगा इसका डी, पहले वाले का भी आंसर क्या होगा डी। यहाँ से हमने सब चीज़ों को सेफ स्ट्रेस निकालना है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर क्या था अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन सेफ स्ट्रेस है ना, इनकी हम वैल्यू रख दिए, सेफ स्ट्रेस हमको निकालना है। एफ एस दिया 5, अल्टीमेट दिया 35, सेफ स्ट्रेस बराबर क्या हो गया 35/5। यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया तो हमें क्या मिल गया 7 kg पर एमएम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, ये फिगर बना हुआ है इसमें बताना है कि आपको किस तरह का स्ट्रेस दर्शाया गया है। तो ये जो कोएक्सियल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टेंसाइल एक होता है कंप्रेसिव। जब अंदर की ओर लोड लग रहा है तो क्या होगा कंप्रेसिव, जब बाहर की ओर लग रहा है तो क्या होगा टेंसाइल। दोनों कोएक्सियल होते हैं, जब अंदर की ओर लगेगा तो कंप्रेसिव और जब बाहर की ओर लगेगा तो टेंसाइल। तो यहाँ कौन सा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये चैप्टर हमने पूरा किया है ना, जो भारत स्किल में क्वेश्चन दिए हुए हैं इलास्टिसिटी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।